YouTube की पांच अमेजिंग सेटिंग आज की इस वीडियो में आपके लाया हूं। तो अगर आप उन सेटिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, मेरा नाम है तैमूर और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल रिजी मलिक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे भी सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ मेरे वीडियो को भी लाइक कर दें। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं YouTube की पांच अमेजिंग सेटिंग। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा YouTube पर। तो चलते हैं फिर YouTube पर। तो सबसे पहली सेटिंग है कि जब आप YouTube पर कोई भी वीडियो प्ले करते हैं तो वीडियो जब प्ले हो रही है तो डबल टैप करने पर वीडियो 10 सेकंड आगे स्किप हो जाती है, यानी कि आगे चली जाती है। तो अगर आप उस ड्यूरेशन को चेंज करना चाहते हैं तो आप सेटिंग से जाकर उसे चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने जाना है सेटिंग पर। सेटिंग पर जाने के बाद आपने जनरल पर क्लिक करना है। जनरल सेटिंग पर तो डबल टैप स्किप का आपको ऑप्शन मिल रहा है, तो उस पर आपने क्लिक करके आप इसको 15 सेकंड कर सकते हैं। इसके अलावा आप 20 सेकंड या 30 सेकंड आपको एडजस्ट कर सकते हैं। आपका फ़ोन किसी बच्चे के हाथ लग गया और वो YouTube यूज़ कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि उसके सामने कोई गलत वीडियोज़ वगैरह ना आए, तो आपने जाना है सेटिंग पर। सेटिंग पर जाने के बाद आपने सेटिंग जनरल पर क्लिक करना है। जनरल पर जाने के बाद आपने नीचे रिस्ट्रिक्शन मोड, ये देखिए आपको लास्ट पर मिलेगा, सेकेंड लास्ट आपको मिल रहा है, इसको ओपन कर दें तो कोई भी गलत वीडियो उसके सामने नहीं आएगी। अगर आप बहुत ज़्यादा YouTube यूज़ कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि कम यूज़ करें तो उसके लिए आपने जाना है सेटिंग पर। सेटिंग पर जाने के बाद आपने जनरल सेटिंग पर चले जाना है। चलो सेटिंग के बाद आपने आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा रिमाइंडर V1 डायबिटीज को आपने टेक डायबिटीज को टेक ब्रेक इसको आपने ऑन कर देना है। तो ये आपको यहाँ आप 1.5 घंटे के बाद या 2 घंटों के बाद ही आपको रिमाइंडर देगा कि आप इसको YouTube को बंद कर दें। आप YouTube पर कोई ऐसा काम करना चाहते हैं, आप चाहते हैं किसी को पता ना चले, तो आपने जाना है सर अपने प्रोफाइल पर। प्रोफाइल जाने के बाद आपने टर्न ऑन इनकोजेक्शन मोड को आपने ऑन कर देना है। उसके बाद आप जो भी काम करेंगे किसी को नहीं पता चलेगा। अगर आप अपने YouTube को डार्क मोड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपने अपने प्रोफाइल पर जाना है। उसके बाद आपने जाना है सेटिंग पर। सेटिंग पर जाने के बाद आपने जाना है जनरल पर, तो आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा अपरेहेंसी। इस पर जाने के बाद आप इसको लाइट मोड या डार्क मोड या यूज़ डिवाइस मोड पर आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की अमेजिंग वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे अभी लाइक कर दें और इस तरह की अमेजिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।